इस दास को वर्तमान में गंगा बाबा के नाम से पहचाना जाता है। मैं गंगा मैया की आराधना में रहा इसलिए मेरा नाम गंगा बाबा पड़ गया, पर वर्तमान में श्री यमुना महारानी की 25 वर्ष से मैं आराधना कर रहा हूँ। जन्म मेरा ब्रज का ही है और यहीं यमुना महारानी में मैंने बचपन से ही अपनी क्रीड़ा अध्ययन विद्या अध्ययन भी मैंने यमुना किनारे ही किया और आज भी श्री यमुना महारानी की सेवा में ही हूँ। मैंने जो अनुभव किया है, बहुत रसिकों को सुना, राग सेवा करने वालों को भी मैंने बहुत सुना। अचानक 2-3-4 साल वर्ष पहले हमारे कार्यक्रम होता है श्री यमुना महारानी के दरबार में, हम पिया पीतम की होली का कार्यक्रम होता है, मैंने बहुत रसिकों को सुना है, मगर मधुकर जी को जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं वाकई में एक साधारण मनुष्य को सुन रहा हूँ। और फिर मेरे मन में एक अभिलाषा आई कि अब पता नहीं दोबारा मैं सुन पाऊँगा कि नहीं, पर श्री यमुना महारानी की कृपा से फिर वही कार्यक्रम, होली का कार्यक्रम आया और मधुकर जी ऐसे मधुर वाणी, हृदय से भी मधुर, उन्होंने ये मेरा सौभाग्य मुझे फिर दिया कि मैं उनको फिर दोबारा सुन पा। टीवी में, मोबाइल में मैं बहुत मधुकर जी को सुनता रहता हूँ, पर लाइव देखने का आनंद तो कुछ और ही है। तो मुझे लाइव देखने का आनंद श्री यमुना महारानी की गोद में बैठ के उनकी वाणी का जो मैंने रसकान किया, जो मुझे सुंदर लगा, आज उसको मैं बयान कर नहीं सकता हूँ। बस इतनी विनती करूँगा श्री गोपाल जी महाराज की सेवा में जो मैं रहता हूँ निरंतर, इनसे भी यही प्रार्थना करूँगा कि इनको निरंतर इसी प्रकार भक्ति मिले और अपने माता पिता और अपने गुरु जी का नाम रोशन करें। इन्हीं के साथ ये श्री ब्रज धाम वृंदावन में आज राग सेवा करने वाले बहुत बच्चे तैयार हो रहे हैं और मैं उन सब बच्चों से भी यही कहना चाहूँगा कि इनके सानिध्य में बैठें और ठाकुर को राग से लाड़ लड़ाना सीखें। ऐसी मेरी श्री गोपाल जी और श्री यमुना महारानी से प्रार्थना है।